नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 24 जुलाई और 24 जुलाई को आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का एग्जाम था जो कि दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपके क्या क्या जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे 100% रियल क्वेश्चन के साथ उपस्थित हो गया, वो भी आपके अपने अंग्रेजी माध्यम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, इसी तरह से 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस पाने के लिए। ठीक है, और उसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री कौशल योजना स्टार्टेड। ठीक है, तो 2015 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे मंथ में पूछा जाए तो जुलाई 2015 हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मिनिस्टर यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, अंडर दिस स्कीम इट वॉज प्लानिंग टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू 1 करोड़ यूथ बाय 2020। ठीक है, इसके अलावा अगला कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी योजना है जो कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। फर्स्ट है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, ये आपका शुरू हुआ था 2015 में। जन धन योजना 2014 अगस्त को। स्किल इंडिया मिशन 28 अगस्त को ही 2014 में। मिशन स्वच्छ भारत आपका अक्टूबर 2014 में ही शुरू हुआ था। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका 22 जनवरी 2015 में शुरू हुआ है। इसके अलावा हार्ट प्लान यानी कि हृदय योजना की बात करेंगे तो ये आपका 21 जनवरी 2015 को हुआ है। पीएम मुद्रा योजना आपका 8 अप्रैल 2015 को हुआ है। उजाला योजना आपका 1 मई 2015 को हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका ज्योति इंश्योरेंस स्कीम यानी कि ज्योति बीमा स्कीम, ये आपका 9 मई 2015 को हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो 1 मई 2016 को। नमामि गंगे आपका 7 जुलाई 2016 को। एंड स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे तो 16 जनवरी 2016 को। एंड एवरी ईयर 16 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्टार्टअप डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इन विच स्टेट वाज द रैयतवाड़ी सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इट्स राइट आंसर इज बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस्ड रैयतवाड़ी सिस्टम इन बॉम्बे एंड मद्रास इन 1820। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एज अ प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट इन 1792 AD इन ब्राह्मण डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके अलावा ए डायरेक्ट एग्रीमेंट वाज मेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड फार्मर्स अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम। सेकेंड वर्जन आपका क्या है तो परमानेंट सेटलमेंट, जो कि आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, स्टार्टेड लॉर्ड कॉर्नवालिस। एंड दिस सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एंड नॉर्थ कर्नाटक। ठीक है, सेकेंड वाज महालवारी सिस्टम, ए न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इम्प्लीमेंट ऑन द लॉर्ड हेस्टिंग इन द एरियाज ऑफ सेंट्रल प्रोविनेंस, आगरा एंड पंजाब। ठीक है, अनदर वन इज इज़दारी प्रथा। ठीक है, इज़दारी प्रथा बंगाल में शुरू किया गया था मोस्टली और 1772 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन हु वाज द कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड कप 2020 अंडर 19 क्रिकेट टीम। ठीक है, तो इसके जो कैप्टन थे वो आपका यश धूल थे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यश धूल हो जाएगा। वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो शेख रशीद। ठीक है, वाइस कैप्टन थे। विनर आपका अपना देश इंडिया ही था, रनअप आपका इंग्लैंड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच कंट्री होस्टेड द 2022 फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप होस्टेड कहाँ हुआ, वो कंट्री का आपसे नेम आस्क किया गया था, तो ये आपका कतर में आयोजित होता है, कतर का कैपिटल दोहा में। ठीक है, इसके अलावा जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 था वो आपका केवा एडिशन था, तो आपका 22 एडिशन था। ठीक है, इसके अलावा आपका अगर डेट पूछे जाए तो डेट आपका 20 नवंबर टू 18 दिसंबर के बीच में आपका आयोजित हुआ है। इट वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड कप टू हेल्ड इन द अरब वर्ल्ड एंड चैंपियंस की बात करेंगे तो अर्जेंटीना आपका चैंपियंस बना था, थर्ड टाइटल इसका था। एंड रनअप की बात करेंगे तो रनअप आपका फ्रांस बना था। ठीक है, इसके अलावा थर्ड प्लेस की बात करेंगे तो क्रोएशिया आपके थर्ड प्लेस पे आया था। इसके अलावा फोर्थ प्लेस की बात करेंगे तो मोरक्को आपका फोर्थ प्लेस पर था। ठीक है, इसके अलावा टॉप स्कोरर की बात करेंगे तो फ्रांस का आपका किलियान एम्बापे आपका टॉप स्कोरर था, जो कि 8 गोल्स। ठीक है, कितना गोल्स, तो 8 गोल्स किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हु इज द चेयरमैन ऑफ एनजीटी एज पर अप्रैल 2021। ठीक है, तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, इट्स राइट आंसर। एंड द नेशनल ग्रेट ट्रिब्यूनल एक्ट वाज कंस्टिट्यूट ऑन द 18 अक्टूबर 2010। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कंचनजंगा इज पार्ट ऑफ विच हिमालय, तो इट्स राइट आंसर इज दार्जिलिंग एंड सिक्किम। ठीक है, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, इट्स राइट आंसर। एंड द माउंटेन इज पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज ऑल्सो। एंड कंचनजंगा इज द थर्ड हाइएस्ट पार्ट इन द वर्ल्ड विद एलिवेशन ऑफ 8,586 मीटर एंड इट इज लोकेटेड एट 74 किलोमीटर नॉर्थ northwest of Darjeeling, Sikkim, in the eastern Himalayas, on the borders between Sikkim state and northeast India and western Nepal. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न डांस इन इंडिया. उदय शंकर इट्स राइट आंसर. इन 1917 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम पद्म विभूषण, द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, एंड इन 1962 he was honored by the Sangeet Natak Academy, India's National Academy of Music, Dance, Drama, with its highest award Sangeet Natak Academy Fellowship of Lifetime Achievement. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द कोरोनेशन ऑफ अशोका फाइट द कलिंग वॉर. ठीक है, तो 8 ईयर्स आफ्टर अशोका कोरोनेशन इन 261 बीसी कलिंग वॉर टू पैलेस. ठीक है, तो आपका 8 ईयर्स राइट आंसर हो जाएगा. आफ्टर दिस अशोक वाज एडॉप्टेड धम घोष इन द पैलेस ऑफ बैरी घोष एंड अशोक 13 एडिक्ट डिस्क्राइब्स द कलिंग वॉर इन द डिटेल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ. ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी इट्स राइट आंसर. दादा भाई नौरोजी डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इन बुक Poverty and Unbritish Rule in India, and the book was published in 1991 in English language. And Dada Bhai Nauroji, he was also known as the elder man of India, and he was the economic critic. British imperialist, he has president over the National Indian National Congress session thrice. ठीक है, next question पूछा गया which of the following is not a western घाट. तो हल्दिया is right answer. हल्दिया. ठीक है, हल्दिया is located at the eastern coast of India, not the western coast. ठीक है, the port of Kolkata, Paradip, Visakhapatnam, Haldia, Chennai, Ennore and Tuticorin are located on the eastern coast of India, and Cochin, Mangalore, Manumugao and Mumbai, Jawaharlal Nehru and Navansorana and Kanlapur are located on the west coast. ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वाई आर द विटामिन्स एंड मिनरल्स नीडेड. ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था, इसके स्थान पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जिसको हम लोग चर्चा करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है कि विच मॉडर्न ट्रेड वाज प्रिवेंट वेमेन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका जूट एंड कपास. ठीक है, जूट एंड कपास वाला जो राइट आंसर था आपका राइट आंसर था. एक क्वेश्चन पूछा गया आफ्टर हुम इज द माइनर प्लैनेट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर नेम्ड. ठीक है, तो सिंगर पंडित जसराज इट्स राइट आंसर. ए माइनर प्लैनेट बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर हैज बीन नेम्ड आफ्टर द फेमस सिंगर पंडित जसराज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बाई विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस द लॉ डिक्लेयर्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स. तो आर्टिकल 141 इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्लॉथ मार्केट एट द टाइम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी. तो सराय अदाला इज राइट आंसर. एंड मंडी, मंडी इज द नेम ऑफ द ग्रेन वाज ट्रेडेड इन मंडी. एंड अलाउद्दीन अपॉइंटेड द फ्लोइंग डिपार्टमेंट एंड ऑफिसर टू द मार्केट सिस्टम सक्सेसफुली. दीवानी रियासत द इकोनॉमिक सुपरिटेंडेंट होता था. सना ए मंडी आपका मार्केट सुपरिटेंडेंट था. वरिन एंड मुनिहार आपका द सीक्रेट बरेबल था. एंड नजीर ऑफिसर ऑफ वेट एंड मेजर का. परवाना नवीस आपका परमिट ऑफिसर था. मुतसिब आपका द ऑफिसर ऑफ सेंसर ऑफ द ऑफिसर हु मॉनिटर द कंडक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था मैच द फ्लोइंग. ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए थे, करंट, वोल्टेज, मैग्नेटिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस. चार यूनिट पूछा गया था, तो आपका जो करंट का यूनिट हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, वोल्टेज का आपका वोल्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का आपका टेस्ला हो जाएगा एंड कैपेसिटेंस का आपका हो जाएगा फ्राइडे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कुड इज द फॉर्म ऑफ डांस ऑफ द यूनियन टेरिटरी स्टेट. ठीक है, तो जम्मू कश्मीर इट्स राइट आंसर. जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर. एंड रॉफ एंड हियाक आर द अदर मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ जम्मू कश्मीर. एंड गरबा, तिपानी, दांडिया एंड पधार आज द मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ द गुजरात. एंड छऊ, कथी, जातरा, लामा एंड कीर्तन आज द मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ द वेस्ट बंगाल. एंड कथकली एंड मोनियट्टम इज द क्लासिकल डांस ऑफ केरल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज द बनिंग. ऑप्शन में ओनम, पोंगल एंड बिहू दिया गया था. पोंगल इट्स राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज. तो अडल्ट सफ्रेज. ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसको एक और हम लोग देख लें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, एक आपका वुमेन से रिलेटेड कोई प्रश्न आपको देखने को मिला था. ठीक है, वुमेन से रिलेटेड कोई प्रश्न आपको देखने को मिला था, उसका जो राइट आंसर था आपका, उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो पूछा गया था फर्स्ट वुमेन ऑफिसर. ठीक है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू डू अ स्काई डाइवर. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो दोस्तों आपका हो जाएगा लेंस नाइक मंजू. ठीक है, क्या हो जाएगा, लेंस नाइक मंजू आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स. ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उसको भी हम लोग एक बार तो देख लेते हैं, कुछ समय हम देख लेते हैं. एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था प्रोटीन से रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे शायद पूछा गया था. ठीक है, प्रोटीन पूछा गया था, प्रोटीन और एक और ऑप्शन दिया गया था. तो थोड़ा समय दीजिए, हम उसको एक बार देख लेते हैं, बच्चों ने व्हाट्सएप पर भेजा था. ठीक है, एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपका ये कि मैच द फ्लोइंग रिलेटेड टू यूनिट टू वोल्टेज करंट कैपेसिटेंस एंड टेस्ला, तो हमने वो तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो मिल नहीं पा रहा है। एक क्वेश्चन आपका देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि समथिंग रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई इन द मार्केट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका 22 सिक्योरिटीज़, ठीक है, 22 सिक्योरिटीज़ इसका आपका राइट आंसर था फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन मिल नहीं पा रहा है, लेकिन अभी तो मिला था। ओहो हाँ, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, प्रोटीन एंड मिनरल्स हेल्प इन आवर बॉडी इन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसका आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेंडिमेंट्री, ठीक है, सेंडिमेंट्री रॉक से पूछा गया था, क्वेश्चन मिल नहीं पाया है। एक क्वेश्चन आपका एडिसन डिजीज से देखने को मिला था, वो भी क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। बाकी सारे क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।